हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक को सॉल्व कर दिया था। आज हम 34 से लेकर आगे शुरू करते हैं। 34 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस log 2/3। फ्रेंड्स, इसमें हमको इसको सॉल्व करके इसको लाना है, यानी इसको साबित करना है कि ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल ये आना चाहिए हल करने के बाद। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है और नीचे इसमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, यानी क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर है। यहाँ फ्रेंड्स, साफ लग रहा है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a/x² यहाँ है तो पहले x लिखते प्लस b/x² प्लस c/x+1। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो इसमें ये दोनों में ये बड़ा है तो इसको लाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ होगा फ्रेंड्स, x है डिवाइड पड़ेगा इसमें, तो a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस सी इंटू ये है इसमें, तो ये इसमें आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कट गया, इधर बचा 1 इज इक्वल टू ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे प्लस इससे एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस यहाँ है बी। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके आया है। अब यहाँ पर कंपेरिजन लगाएंगे, कोफिशियंट की तुलना करेंगे। तो चूंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए बाई कंपेरिजन ए प्लस सी हो रहा है जीरो यहाँ, और x का कोफिशियंट इसमें a प्लस बी है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और b के जगह पर यहाँ है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट हमारा है, यानी b इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो a के साथ b है तो b हमारा आया है प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू माइनस 1। अब a का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें तो हमको c मिलेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू है 0, a का मान आया है माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा c हुआ, ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ। फ्रेंड्स, अब a b c का मान यहाँ रखकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके इंटीग्रेशन का मतलब है इसका इंटीग्रेशन करना, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 3 और इसके जगह पर ये रखेंगे a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस 1 और यहाँ dx इज इक्वल टू 1 3। a का मान आया है हमारे पास, यहाँ आया है माइनस का 1, तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 3। बी हमारा आया है 1, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर लेते हैं प्लस 1 3। सी हमारा आया है माइनस का 1, सॉरी सी यहाँ से 1 होगा, माइनस 1 इधर से उधर गया है तो माइनस 1 इधर आके प्लस होगा, यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 और डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ करना नहीं है, सभी का बारी बारी से हम अनिश्चित समाकलन निकालेंगे और फिर x की वैल्यू को रखेंगे। ये
लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, सभी जगह रखेंगे अनिश्चित समाकलन निकालने के बाद। तो देखते हैं इधर इसका अनिश्चित समाकलन निकाल कर, आई हमारा आ रहा है इज इक्वल टू माइनस को बाहर करते और यहाँ से वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, इस पर लिमिट लगाएंगे वन थ्री, और प्लस यहाँ से वन है और थ्री है, एक्स स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो नीचे है वन बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस टू डी एक्स, प्लस यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस वन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स का वन डिवाइड में करेंगे वो फर्क नहीं पड़ेगा, और लिमिट इस पर लगाएंगे वन थ्री इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से एक बार लोअर अपर लिमिट रखते पहले लॉग थ्री, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखते लॉग वन, यहाँ से फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की घात माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन पावर रूल से, और लिमिट लगाएंगे इस पर वन थ्री, प्लस यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखें तो लॉग थ्री प्लस वन, और इसमें माइनस करेंगे लॉग एक्स के प्लेस पर वन प्लस वन, लोअर लिमिट रखा है इज इक्वल टू माइनस लॉग थ्री, यहाँ बचेगा लॉग वन जीरो होता है, यहाँ लिखते फ्रेंड लॉग वन, वन पता है कि जीरो होता है तो लॉग वन के प्लेस पर यहाँ जीरो डालेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस लॉग थ्री, प्लस यहाँ से हमें आएगा एक्स की घात माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और नीचे माइनस वन, और यहाँ लिमिट है तीन और एक, प्लस यहाँ से आएगा लॉग फोर और माइनस लॉग टू इज इक्वल टू माइनस लॉग थ्री, और यहाँ से ही माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ से एक्स की घात माइनस वन है, ये हो जाएगा यहाँ से वन बाई एक्स, और यहाँ लिमिट चलेगी वन थ्री, और प्लस यहाँ ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी लॉग एम बाई एन, तो लॉग फोर बाई टू, यहाँ से टू टू या फोर कटेगा, यहाँ से फिर आगे हल करें इसको तो माइनस लॉग थ्री, और माइनस यहाँ होगा एक बारी में वन बाई थ्री, प्लस एक बार यहाँ वन डालेंगे तो वन बाई वन वन ही होगा, ये वन आया, और प्लस यहाँ से लॉग टू इज इक्वल टू लॉग टू, और लॉग थ्री माइनस में है, इसको एक साथ लिखते लॉग टू माइनस लॉग थ्री, माइनस यहाँ से एलसीएम लेंगे थ्री, तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा लॉग टू बाई थ्री, ओ सॉरी, यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखें, अपर लिमिट रखा वन बाई थ्री, तो यहाँ प्लस नहीं करके माइनस होना चाहिए, माइनस होगा माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई वन, अपर लिमिट वन बाई थ्री माइनस वन बाई वन, अपर लिमिट रखते फिर माइनस करते फिर लोअर लिमिट रखते, तो यहाँ ये माइनस थ्री होगा, और यहाँ से ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग टू बाई थ्री लॉग एम बाई एन, और माइनस यहाँ से ब्रैकेट में, यहाँ से वन में थ्री जा रहा है माइनस टू बाई थ्री, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू बाई थ्री को पहले रखें और प्लस लॉग टू बाई थ्री, और यही हमारा 35 है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एक्स ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसको भी हल करके हमको 1 लाना है, यानी इसको साबित करना है कि इसका सॉल्यूशन ये आएगा। फ्रेंड्स यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, बताया था दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालने के लिए हमको बाई पार्ट लगाना पड़ता है, बाई पार्ट का फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। फ्रेंड्स इसमें एक और बात की चर्चा हमने करी थी कि जब कभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते तो हमको यू और डी वी का प्रॉपर सिलेक्शन करना होता है ताकि हम दिए गए निश्चित समाकलन का मान आसानी से निकाल सकें। तो बताया है इसमें आई लेट भी लगा सकते हैं, आई लेट अगर लगाया जाए तो यहाँ अल्जेब्रेक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अल्जेब्रेक यहाँ है एक्सपोनेंशियल के पहले, तो इसको यू रखना पड़ेगा। अब वैसे भी अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो ये पता चलेगा हमको कि यहाँ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना फ़ायदा होगा, चूँकि डिफ्रेंशिएट होकर ही समाप्त हो जाएगा, तो इसको हम यू रखेंगे, यानी यू हमारा होगा एक्स और डी भी हमारा होगा ई एक्स डी एक्स।
इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी वी इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स, तो यहाँ से भी हमको मिलेगा ई एक्स। अब फ्रेंड्स ये सूत्र लगाते हैं I के लिए, तो I हमारा होगा 0 टू 1 एक्स ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू भी, यू हमारा है x और ये आया है भी हमारा ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी ई एक्स और डी यू हमारा है डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलेगा एक बार लिमिट इसको फाइनली एक ही साथ लिमिट रखते 0 1 लगाना है तो x ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होगा और इस पर लिमिट चलेगी 0 1 की। इधर सॉल्व करते इसको तो यहाँ से ई एक्स अगर कॉमन करें तो हमको बचेगा यहाँ x और इधर बचेगा माइनस का 1। फ्रेंड्स एक बार इसमें हम x के प्लेस पर 1 रखेंगे और एक बार x के प्लेस पर 0, यानी एक बार लोअर अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पहले अपर लिमिट रखें तो e की घात 1 और यहाँ से 1 माइनस 1, एक्स के जगह पर 1 दिया है माइनस e की घात 0 और e की घात 0 और इंटू e की घात 0 यहाँ रखा और x के प्लेस पर 0 रखा माइनस 1, यहाँ से ये कट गया तो ये 0 हो गया और यहाँ से e की घात 0 1 होगा और यहाँ से माइनस 1, माइनस माइनस ही प्लस करेगा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा है सॉल्यूशन। फ्रेंड्स ध्यान रखते हैं इसमें जब कभी बाई पार्ट लगाना होता है तो हमको u और dv का प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ता है, प्रॉपर सिलेक्शन करने से क्वेश्चन आसानी से हल होते हैं और इस प्रकार से हमने इसको हल किया। 36 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 टू 1 एक्स की घात 16 और एक्स कॉस 4x और dx, हल करके इसको लाना है 0। फ्रेंड्स यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि P7 हमारा था कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स यदि f एक सम फलन है, और यही इंटीग्रल मान देता है 0 यदि f एक विषम फलन है, और सम विषम फलन चेक करना बताया था कि अगर फंक्शन में माइनस x डालें और एफ एक्स आ जाए तो सम फलन होता है, और अगर माइनस एक्स डालें और माइनस एफ एक्स हो जाए तो विषम फलन होता है, उस केस में इसका मान 0 होगा। आइए चेक करते हैं इसको, सबसे पहले फंक्शन हमारा है, फंक्शन को पिकअप करते चेक करने के लिए तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स की घात 17 और कॉस 4x, इसमें फ्रेंड्स एक्स के प्लेस पर हम रखते हैं माइनस एक्स, यानी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की डिग्री 17 और कॉस माइनस एक्स यहाँ रखा और इस पर घात है 4। इस 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ से हमको चूंकि यहाँ विषम घात है तो माइनस बाहर होगा यानी माइनस एक्स, और कॉस माइनस को एब्जॉर्ब करता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स ही और यहाँ हो जाएगा 4, यानी यहाँ से हमको मिला माइनस, ये माइनस और सॉरी एक्स की घात यहाँ 17 है, ये माइनस रहा और ये हमारा फंक्शन है, यानी हो गया माइनस एफ एक्स, यानी एफ में माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ एक्स आया है, इसलिए एफ एक विषम फलन है। अब विषम फलन है तो प्रॉपर्टी 7 से, इसलिए प्रॉपर्टी 7 से आई बराबर होगा 0। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 36 का। कुछ नहीं करना है इसमें, बाई प्रॉपर्टी हमने इसको सॉल्व किया है प्रॉपर्टी 7 से, प्रॉपर्टी 7 हमारा ये था, इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन 0 आता है। नंबर 37 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और लिमिट है यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2। फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करें तो दो तरीके इसके इंटीग्रेशन के हैं, एक तो साइन 3x का फॉर्मूला लगाकर साइन क्यूब एक्स निकालें, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये है 0 यहाँ पाई बाई 2, इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स, साइन एक्स रहा और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसको हम लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। यहाँ कॉस एक्स को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको
तो बाई डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। फ्रेंड्स अब ये जो आई हमारा है इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 यहाँ होगा और 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी रखेंगे, माइनस का डी टी और वन माइनस कॉस स्क्वायर है एक्स और कॉस एक्स को हमने टी माना है तो यहाँ रखा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to π/2। इस माइनस को अंदर करें तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर ही माइनस होता, ये माइनस आके प्लस करेगा और ये माइनस का वन और यहाँ डी टी। फ्रेंड्स ध्यान रखना है लिमिट यहाँ एक्स की है, लिमिट को चेंज नहीं किया है, टी को फिर हम एक्स में लाएंगे फिर लिमिट रखेंगे या तो फिर यहीं पर लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, एक्स के लिमिट को टी में बदला जा सकता है, बदलने का तरीका बताया है, बदल के भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स इधर दिखाते हैं, यानी लिमिट हमारा है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो टी हमने रखा है कॉस एक्स को तो टी बराबर हो जाएगा एक बार कॉस जीरो और कॉस जीरो वन होता है यानी टी इज इक्वल टू वन। यानी अगर लिमिट को भी बदल लें तो एक्स जीरो पर टी आता है वन, यानी यहाँ पर हम रख सकते हैं वन और यहाँ पर अपर लिमिट भी निकाल लेते हैं। अपर लिमिट के लिए एक्स बराबर है π/2 तो टी बराबर कॉस एक्स यानी कॉस π/2 इज इक्वल टू कॉस 90 हो जाता है जीरो, तो एक्स π/2 रखने से ये आ जाता है जीरो तो यहाँ जीरो रख देंगे। और नहीं तो अगर लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो इसको एक्स की लिमिट रखेंगे और फिर जो सब्स्टिट्यूशन लगाया है वापस से हम एक्स में लाकर एक्स की लिमिट को रखते हैं, तो लिमिट चेंज ही कर दिया है तो चेंज कर देते हैं, यहाँ जीरो आया है मतलब एक्स जीरो पर टी वन आया है तो वन रहेगा और π/2 पर टी जीरो आया है तो यहाँ जीरो रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा TQ/3 और माइनस वन का हो जाएगा टी, लिमिट लगाएंगे यहाँ वन और जीरो तो यहाँ से एक बार अपर लिमिट रखें तो 0 की घात 3/3 और यहाँ से माइनस जीरो और माइनस एक बार रखें वन तो यहाँ से 1 की डिग्री 1/3 और माइनस यहाँ वन इज इक्वल टू यहाँ से तो ये जीरो हो गया, इधर माइनस रहा और यहाँ से 1/3 माइनस वन, यहाँ से माइनस LCM लें 3 तो यहाँ से 1 माइनस 3, यहाँ से माइनस ये आएगा -2/3, यहाँ से माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया तो बचेगा हमको 2/3 और 2/3 ही हमको इसमें साबित करना है। क्वेश्चन में ये हमारा इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करके 2/3 लाना था जिसको हमने लाया 2/3। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 38 हमारा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0π/4 टू टेन क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लाना है 1 माइनस log 2, ये हमको हल करना है फ्रेंड्स 2 tan qx dx। एक काम करें फ्रेंड्स, जस्ट इसके पूर्व के क्वेश्चंस की भांति पहले तो 2 को बाहर करते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 to π/4 चूँकि ये कोफिशियंट है इंटीग्रेशन में भाग नहीं लेता बाहर आएगा और इस tan qx को लिखते हम tan x into tan स्क्वायर x dx। इस i को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा है, इसको सॉल्व करके ये लाना है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इसको लाने के लिए, इसके लिए हम 2 को बाहर रखा, tan क्यूब एक्स को ऐसे रखा इज इक्वल टू 2 0 to π/4, यहाँ tan x है और tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस वन, फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर x आएगा हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ रखते हैं dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स, 2 को बाहर रखते हैं और इसके साथ अलग अलग कर लेते हैं, यानी एक बार में 0π/4 और ये हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx और माइनस 0π/4 और यहाँ से tan x और dx। tan x का इंटीग्रेशन पता है फ्रेंड्स log sec x, तो log sec x यहाँ रखेंगे, इस पर हम लोग को दिमाग लगाना है, यहाँ बाई सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो बारी बारी से इसको हल करते पहले, इसके लिए तो इसको इधर हल करते फ्रेंड्स, बारी बारी से इसको हल करते हैं, पहले इसको लेते हैं 0 to π/4 और tan x sec स्क्वायर x और dx, इसको बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे, इसका तो पता ही है इंटीग्रेशन, इसमें तो कुछ करना है नहीं, उसको सॉल्व करते हैं
तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी, चूँकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डिफरेंशिएट अगर इसको करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसलिए ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट को भी यहीं चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। लिमिट अगर चेंज करें तो जब एक्स इज इक्वल टू हो जीरो तो टेन जीरो इज इक्वल टू होगा टी, और टेन जीरो जीरो ही होता है यानी टी इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू रखें पाई बाई फोर तो टी हमारा है टेन एक्स यानी टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर होता है वन, तो टी इज इक्वल टू आया वन। अब उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा जीरो पाई बाई फोर, जीरो पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने लाया है डी टी, तो डी टी रखा और टेन एक्स को रखा है टी, तो टी रहा। इंटीग्रेशन होगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट सॉरी फ्रेंड्स लिमिट को तो हमने चेंज ही कर दिया था, टी एक्स जीरो पर टी जीरो है जीरो, और पाई बाई फोर पर टी वन है। तो यहाँ से जीरो और वन, एक बार अपर लिमिट रखें तो वन की स्क्वायर वन ही होगा यानी वन बाई टू, एक बार जीरो रखेंगे तो माइनस के जीरो यानी ये आया वन बाई टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जीरो पाई बाई फोर, यहाँ तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टेन एक्स है तो टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग सेक एक्स, और लिमिट इस पर लगाएंगे जीरो टू पाई बाई फोर, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग सेक पाई बाई फोर माइनस लॉग सेक जीरो। तो यहाँ से लॉग सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर का मतलब है फ्रेंड्स हम निकाल लें अगर कॉस पाई बाई फोर, तो बताया है कॉस 45, यहाँ लिख के दिखाते फ्रेंड्स, इधर तो काम हो चुका है, इधर लिखते कॉस पाई बाई फोर का मान होता है 1 बाई रूट टू, तो सेक पाई बाई फोर हमारा होगा रूट टू, तो रूट टू रखेंगे यहाँ पर सेक पाई बाई फोर के जगह पर, तो सेक पाई बाई फोर हमारा होगा, इसको इधर हल करते तो लॉग सेक पाई बाई फोर मतलब हो जाता है रूट दो, और माइनस लॉग सेक जीरो, तो कॉस जीरो वन होता है तो ये होगा वन, वन हो गया। यानी यहाँ से इस रूट टू को हम इस प्रकार लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तो वन बाई टू आ चुका है, इसका मान हमें मिल चुकी है, वन बाई टू यहाँ लिख लिया। अब इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग रूट टू को हम लिख सकते हैं टू की घात एक बाई दू, और लॉग एक होता है जीरो, ख़त्म हो जाएगा वो, तो ये हाफ बाहर आएगा, ये हो जाएगा लॉग टू, तो इसका मान फ्रेंड्स आया लॉग हाफ लॉग टू। अब यहाँ रखें, इसलिए फाइनल आई जो हमारा आ रहा है बाहर से है टू, इसके प्लेस पर आया वन बाई टू, और माइनस इसके प्लेस पर आया वन बाई टू लॉग टू। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर, टू इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, टू को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू वन बाई टू माइनस टू इंटू वन बाई टू लॉग टू, यहाँ से टू टू कटेंगे, टू टू कटेंगे तो बचेगा रिजल्ट हमारा, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा लॉग दो, और यही हमको साबित करना था। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो वन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन लाना है फ्रेंड्स। इसमें साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, बाई पार्ट में इसका इंटीग्रेशन करना हमने सीखा है, इसके लिए इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाएंगे, और बाई पार्ट लगाने के लिए यू डी वी का सिलेक्शन हम प्रॉपर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आई हमारा है जिसको सॉल्व करके ये लाना है, तो आई को लिखते, चूँकि आई इज इक्वल टू है जीरो वन साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स, इसमें एक हम मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन इनवर्स एक्स को हमेशा बताया है फ्रेंड्स, इनवर्स ट्रिगो को यू रखना ही फायदेमंद होता है, तो इसको यू रखेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें, तो यू रखें और साइन इनवर्स एक्स और बाकी जो रेस्ट बचता है उसको डी भी रखेंगे, डी भी होगा वन डी एक्स।
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लगेगा डी एक्स। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें फ्रेंड्स तो डी भी हमारा होगा वन डी एक्स, तो भी हमारा आएगा यहाँ से वन का इंटीग्रेशन एक्स एक्स आ जाएगा और बस अब फॉर्मूला लगाएंगे सीधे। सूत्र हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। तो यहाँ से आई के लिए हम इसको लगा रहे हैं तो ये आई रहेगा यानी आई हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो वन और यहाँ हमारा है यू वी। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन ही लिखेंगे, यू हमारा है साइन इनवर्स एक्स और वी हमारा है एक्स माइनस यू भी, यू हमारा ये है भी हमारा ये है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू, भी हमारा है एक्स और डी यू हमारा है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ एक बार लिमिट हम लगाएंगे जीरो जीरो और वन की लिमिट यहाँ है जीरो ओवर वन। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और एक्स बाहर रख लिया, लिमिट इस पर भी है जीरो और वन की माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा है एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसको हल करते फ्रेंड्स, सबसे पहले लिमिट इस पर है जीरो और वन की तो इसको हल करते अलग से जीरो वन और यहाँ है एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो पुट करते इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखा, डिफ्रेंशिएट करें इसको तो वन का जीरो इसका हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ डी टी। लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, जब एक्स बराबर है जीरो तो टी हमारा होगा वन माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर वन, जब x बराबर है 1 तो t हमारा होगा 1 माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी अब यहाँ से ये जो होगा हमारा 1 पर ये 0 पर लिमिट आया है 1 और 1 पर आया है 0, यहाँ से ये हो जाएगा x dx एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ डी टी। तो माइनस हाफ को बाहर कर लेते हैं, माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है कॉफिशियंट है बाहर कर लिया और ऊपर रहा डी टी और नीचे हो गया अंडर रूट, इसको हमने माना है t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते फ्रेंड्स इधर तो माइनस हाफ बाहर में है और इसका इंटीग्रेशन हो करेंगे तो ये रूट टी है ऊपर जाएगा तो टी की घात माइनस हाफ और यहाँ डी टी लिमिट है जीरो और वन की इज इक्वल टू माइनस हाफ और यहाँ से हो जाएगा टी की घात माइनस हाफ प्लस वन, पावर रूल से माइनस हाफ प्लस वन और लिमिट लगाएंगे जीरो और वन की, यहाँ से माइनस वन बाई टू, यहाँ से एक में हाफ घटेगा तो बचेगा टी की घात हाफ और यहाँ बचेगा ये वन बाई टू, तो यहाँ से ये वन बाई टू कटेगा, लिमिट है जीरो और वन की यानी यहाँ बचा माइनस टी की घात हाफ यानी टी की घात हाफ बोले तो रूट टी और जीरो और वन, तो माइनस एक बार जीरो रखेंगे इसमें तो रूट जीरो और माइनस एक बार रखेंगे इसमें रूट एक यानी यहाँ से आएगा माइनस माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये आया हमारा वन। अब इसको हल करते फ्रेंड्स इधर इज इक्वल टू एक बार इसमें रखेंगे, इसके लिए एक बार रखें एक अपर लिमिट साइन इनवर्स एक माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये तो जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा यही रहेगा और माइनस इसके जगह पर आया है वन, तो यानी यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स वन माइनस वन और साइन इनवर्स वन का मतलब होता है साइन पाई बाई टू में वन मानाता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा और माइनस वन है और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है तो पाई बाई टू उधर है माइनस वन। तो ये हमारा है सॉल्यूशन जिसको हमको लाना था। सिर्फ ध्यान रखते फ्रेंड्स मिसलेनियस के सवाल हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, सोच कर करते हैं, प्रश्न बनेंगे ही। जब इतना इंटीग्रेशन हमने करते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो बनने का नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बनेंगे। थोड़ा लिमिट पुट करने में सावधानी रखें, सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो लिमिट को भी चेंज कर लें और नहीं चेंज करें तो लिमिट को एक्स की लिमिट रखें और जब सब्स्टिट्यूट किए गए वेरिएबल को वापस से दिए गए वेरिएबल में ला दें तब फिर लिमिट को रखेंगे इसमें, यह ध्यान रखते। 40 हमारा है कहता है योगफल की सीमा के रूप में आई बराबर निकालें
जीरो वन ई की पावर टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स। योगफल की सीमा के रूप में निकालना है फ्रेंड्स, योगफल की सीमा के रूप में। वापस से योगफल की सीमा के रूप में हमने निश्चित समाकलन को बताया है, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ाया है कि जब योगफल की सीमा के रूप में डिफिनिट इंटीग्रल निकालते तो ये होता है ए, ये होता है बी और यहाँ होता है एफ एक्स डी एक्स। इसका मान योगफल की सीमा के रूप में बताया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एच, यहाँ एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट करके प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये हमारा है योगफल की सीमा के रूप में इस डिफिनिट इंटीग्रल का मान, जहाँ एन एच इज इक्वल टू बताया है होता है बी माइनस ए। इसको हल करने के लिए काफ़ी गहराई से हमने बताया है कि जब भी लिमिट एज ए सम या योगफल की सीमा के रूप में डिफिनिट इंटीग्रल निकालें तो एन एच बनाने का प्रयास करें, ताकि वहाँ बी माइनस ए रख सकें। इसको रखने के बाद फाइनली हम h को वहाँ जीरो पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके लिए हमको a बराबर दिया हुआ है जीरो और b बराबर है वन, तो nh हमारा होगा b माइनस ए इज इक्वल टू वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, यानी nh को हमने फाइंड कर लिया जो है हमारा वन। अब यहाँ a हमारा जीरो है तो इस a के जगह पर सभी जगह जीरो रखेंगे, तो इसलिए इसका मान हम निकाल रहे हैं जीरो एक ई की घात टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एच, और ए के प्लेस पर यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है तो ए के प्लेस पर जीरो रखें, तो एफ जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच प्लस एफ जीरो प्लस टू एच प्लस ऐसे ही चलते हुए लास्ट टर्म लिखते एफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ाएं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ एच और एफ जीरो, तो एफ जीरो यहाँ निकालना पड़ेगा फंक्शन से हमको, यहाँ हो जाएगा एच, तो यहाँ रखेंगे एफ जीरो प्लस यहाँ रखेंगे एफ एच प्लस यहाँ होगा एफ टू एच प्लस इसी तरह चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ, इसको लिखें एन माइनस वन इंटू एच। ये हुआ। अब फंक्शन में हम 0h 2h का मान रख के हम निकालेंगे इसका मान। ऊपर देखते फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इसमें सावधानी रखेंगे फ्रेंड्स, चूँकि योगफल की सीमा के रूप में मुख्य रूप से गणना महत्वपूर्ण है, गणना को ध्यान से रखेंगे, सवाल तो बनेंगे ही। इसको हमने बनाया है डिटेल में, समझाया भी, इस पर अलग एक एक्सरसाइज ही था, तो देखते इसको। ये हमारा फंक्शन है टू माइनस एक्स, तो सबसे पहले इसके लिए हल कर रहे हैं, बराबर लगाया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू जीरो h, f जीरो यहाँ जीरो रखें, x के प्लेस पर यहाँ जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो बचेगा यहाँ e की घात टू माइनस थ्री इंटू जीरो थीरो थ्री इंटू जीरो जीरो, तो e की घात टू बचेगा प्लस यहाँ से h डालें, इसमें h डालेंगे तो ये हो जाएगा e की घात टू माइनस थ्री और h प्लस टू h डालेंगे तो e की घात 2 माइनस x के जगह पर 2h आएगा, तो 2 3 जा 6 2h x के प्लेस पे आएगा। नहीं समझते तो यहाँ देखें इसको, e की घात 2 माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 2h, तो ये हमारा हो जाएगा e की घात 2 माइनस 3 दूना 6h, तो यहाँ लिखेंगे 6h, बस काफ़ी है। लास्ट वाला टर्म लिखेंगे प्लस करके, प्लस e की घात यहाँ डालेंगे 2 रहा माइनस 3 रहा और n माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच। ये हमारा है फ्रेंड्स। गौर से अगर देखें, एक लाइन और बढ़ा के ही दिखाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंड्स टू 0 h, यहाँ है e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर सभी में है फ्रेंड्स। एक टर्म को हम खोल के दिखाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की स्क्वायर इंटू e की घात माइनस थ्री एच, बेस सेम पावर ऐड होगा यही आएगा, प्लस e की घात टू इंटू e की घात माइनस सिक्स एच, प्लस इसी प्रकार से यहाँ चलें तो e की घात टू इंटू e की घात माइनस थ्री
इंटू वन माइनस वन इंटू एच। अब ई स्क्वायर सब में कॉमन है, बाहर करेंगे तो चूंकि कांस्टेंट टर्म होगा, लिमिट से भी बाहर कर लेते हैं इसको, यानी ई स्क्वायर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच ई स्क्वायर निकल गया है बचा वन, प्लस यहाँ बचा ई की घात माइनस थ्री एच, प्लस यहाँ बचा ई की घात माइनस सिक्स एच, प्लस डॉट डॉट करके चलें तो प्लस यहाँ बचता है ई की घात माइनस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एच। हमको इस सीक्वेंस पर ध्यान रखना है जो देखने से लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने योगफल की सीमा के रूप में एक एक्सरसाइज में बनाया था, ये जीपी बनता है, चेक कर लेते हैं। इसमें ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू वन, सेकेंड टर्म इसमें है ए टू इज इक्वल टू ई की घात माइनस थ्री एच, थर्ड टर्म हमारा है ए थ्री इज इक्वल टू ए की घात माइनस सिक्स एच। अगर यहाँ पर हम ए टू बाई ये पहला टर्म करें ए, तो ई की घात माइनस थ्री एच बाई एक, यानी ये होगा ई की घात माइनस थ्री एच। इसको चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ई की घात माइनस सिक्स एच डिवाइडेड बाई ई की घात माइनस थ्री एच, तो ये ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ई की घात माइनस सिक्स एच इंटू इसका पावर प्लस में हो जाएगा थ्री एच, यानी यहाँ से भी आएगा हमें ई की घात माइनस थ्री एच। तो ये जो आता है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ये होता है आर, यानी ये जीपी है, तो जीपी में है तो आर हमारा ये है आर, इसको ध्यान रखें, और ये हमारा ए है। इसके सम के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बताया है, अभी इसको फ्रेंड्स ऐसे ही रहने देते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी इसका सम होता है जीपी के एन पदों का योग होता है ए आर की घात एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो यहाँ ए हमको पता है एक है, और आर हमको पता है ई की घात माइनस थ्री एच है, और इस पर हमको डिग्री लगानी है एन माइनस वन और डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, आर हमारा है ई की घात माइनस थ्री एच और माइनस का वन, ये हमारा सम आया है, वन से गुना है, यानी मोटा मोटी मेरा सॉल्यूशन ये है इस सम का। तो इसको वहाँ हम रखते फ्रेंड्स, यहाँ रखेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से इसको हटाते, इसका काम हो चुका है, फाइनल रिजल्ट हमारा इस जीपी का सम ये है। तो इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यानी ई की घात टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंस टू जीरो, और यहाँ एच, अब इसके प्लेस पर फ्रेंड्स ये रखें, एक मल्टीप्लाई में बाहर है तो यही रहेगा, और इसको एन के गुना कर लें इधर, तो ये हो जाएगा ई की घात माइनस थ्री एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई की घात माइनस थ्री एच माइनस वन। यहाँ से अब एन एच हमने निकाला है मान, ऊपर में एन एच इज इक्वल टू आया था वन, यहाँ एन एच इज इक्वल टू वन रखें, तो ये हो जाएगा e की घात टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंस टू जीरो, यहाँ h, और e की घात माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन, और यहाँ e की घात माइनस थ्री एच माइनस वन। अभी लिमिट रखने से बचते फ्रेंड्स, जब तक हमको कोई वाजिब सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। इधर चलते फ्रेंड्स, इधर अगर चलते तो ई स्क्वायर बाहर में है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच टेंस टू जीरो, और यहाँ एच है, और यहाँ से ही ई की घात माइनस थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई ई माइनस थ्री एच और माइनस वन। फ्रेंड्स एक काम करते, इस एच को अब अंदर ले जाते, तो अंदर ले जाते तो ये ऊपर आएगा, यहाँ इस एच को हम यहाँ ला के लिखते, यहाँ इस ये जो h हमारा है इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, क्योंकि वापस से उलट के यहीं आएगा, तो इस h को यहाँ कर दिया, और ये जो हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर लेते हैं, तो पहले से e की घात 2 है, यहाँ e की घात माइनस थ्री माइनस वन। अब यहाँ बचा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंस टू जीरो, और यहाँ से h आ ही चुका है, इसको एक काम करते फ्रेंड्स, यहाँ है ई वन बाई ये e की घात माइनस थ्री एच माइनस वन, और यहाँ h है, हमको इसको माइनस थ्री एच बनाने के लिए इसमें माइनस थ्री एच से यहाँ माइनस थ्री से इसमें गुना कर दिया, तो यहाँ भी माइनस थ्री से गुना करेंगे, यानी ये हमारा आया है ये टोटल टर्म। एक फॉर्मूला पढ़ाया है जिसका मान होता है वन, यानी यहाँ से इस टाइप का फॉर्मूला था, लिमिट h टेंस टू जीरो e की घात h माइनस वन अपॉन h इज इक्वल टू होता है वन, तो e की घात h है तो नीचे h है, यहाँ माइनस थ्री एच है, तो पहले h था, इसमें माइनस थ्री गुना किया तो ऊपर माइनस थ्री गुना कर दिया, बैलेंस कर दिया, इसको कटेगा तो वापस से यही बचेगा। इतना करने से हमें
आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इस प्रकार से देखें फ्रेंड्स, इधर बाहर में जो है वो है ई स्क्वायर इंटू ई की घात माइनस थ्री माइनस वन, और यहाँ से वन बाई माइनस थ्री, और इतना का टोटल का मान हो जाएगा वन, यानी यहाँ से ये यह हो गया ई की घात टू इंटू ई की घात माइनस थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस का थ्री। तो ये आंसर है हमारा, और थोड़ा इसको सॉल्व अगर करना है तो इसको अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू ई की घात माइनस तीन माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, यहाँ से बेस सेम है पावर ऐड होगा तो ई की घात माइनस वन, टू में एक तीन पावर घटेंगे तो माइनस वन, और माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, तो इसको वन बाई थ्री करके माइनस को अंदर करते तो ई स्क्वायर, और यहाँ से ई की घात माइनस वन को लिख सकते वन बाई ई। तो ये हमारा आंसर आता है। काफ़ी बढ़िया सवाल था फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें क्योंकि इसको हमने एक कंप्लीट एक्सरसाइज में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना सीखा था और आसानी से इसको ज्ञात भी कर लिया। 41 है आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई की घात एक्स प्लस ई की घात माइनस एक्स। काफ़ी आसान सवाल है फ्रेंड्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको लिखें ई की घात एक्स प्लस वन बाई ई की घात एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ ई एक्स एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ई एक्स की पावर टू और प्लस वन, यहाँ से इस ई एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ई एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स की घात टू और प्लस वन। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुट करते इसको ई एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट अगर करें इसको तो ये हमारा होगा ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए आई हमारा हो जाएगा ई एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी, और नीचे हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, और टी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन पढ़ा है फ्रेंड्स, वो होता है टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी रहा और प्लस का सी लगाएंगे यहाँ क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, और टेन इनवर्स और टी के प्लेस पर हमने जो सब्स्टिट्यूशन लगाया उसको रखेंगे तो ई एक्स प्लस सी। तो ये हमारा है आंसर। 42 हमारा है आई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ रखेंगे तो ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ है डी एक्स। ऊपर फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से प्लस एक और ये कट गया, बचा हमें ऊपर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स एक काम करें, इसमें इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, इसमें इसको पुट करते हैं हम, तो पुट करें इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको रखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट अगर करें तो हमें मिलेगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कुछ नहीं करा फ्रेंड्स, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ा, एक इससे कैंसिल हो गया, बचा ये और एक ये, इसको सब्स्टिट्यूट किया टी तो हमारा वो हो गया, यानी आई जो हमारा बन गया इज इक्वल टू यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ डी टी हो गया, और इसको हमने टी सपोज किया तो ये हो गया टी, इंटीग्रेशन होगा इसका लॉग टी और प्लस का समाकलन कांस्टेंट, तो लॉग टी के प्लेस पर जो हमने रखा है उसको रखेंगे, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी। तो ये हमारा है आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 हल हुआ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने लगाए हैं, इंटीग्रेशन बाद में आसानी से कर दिया। 43 हमारा है, दिया हुआ है इसमें एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये दिया हुआ है, हमको दिखाना है, इसमें ज्ञात करना है
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर वाट, इसको हमको निकालना है फ्रेंड्स। तो इसको हम आई मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू ए बी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर रखते हैं, यहाँ पुट करते हैं, यहाँ एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी हमारा था कि अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट को प्लस करके इस माइनस को एक्स करके इसमें एक्स के जगह प्लेस करें। इसको एक रख लेते हैं, नहीं इसको दो रखते हैं, एक वहाँ रख लिया है, दो रखते हैं इसको। इस प्रॉपर्टी के अनुसार आई हमारा बनेगा ए बी, एक्स के प्लेस पर ये रखेंगे एक्स प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एफ, एक्स के जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी माइनस एक्स और एफ, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स यहाँ दिया हुआ है, ये डी एक्स है, एफ एक्स दिया हुआ है, इसके जगह पर एफ एक्स रखेंगे, इसके जगह पर तो एफ एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। अब फ्रेंड्स इसको तीन नंबर रख के इस दो और तीन को ऐड करेंगे, ये इधर से आई, इधर से आई, इट्स टू आई इज इक्वल टू, यहाँ है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसको करना है तो प्लस करेंगे इसके साथ ए बी, ए प्लस बी माइनस एक्स और इंटू एफ एक्स डी एक्स। इधर इसको सॉल्व करते, अब तो सिर्फ इसको सॉल्व करके रिजल्ट लाने हैं, तो इधर है टू आई इज इक्वल टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई अगर करें फ्रेंड्स तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एफ एक्स और ए टू बी इस पर भी लगा देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ से ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ए प्लस बी कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं ए प्लस बी, और यहाँ बचेगा एफ एक्स और डी एक्स छूट गया है तो यहाँ डी एक्स। तो आई हमारा हो जाएगा यहाँ टू आके डिवाइड हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, यहाँ से ए बी एफ एक्स और डी एक्स। 44 है आई इज इक्वल टू 01 टेन इनवर्स 2x माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है डी एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स, नीचे में 01 यहाँ है टेन इनवर्स और ऊपर है 2x माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स करें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ है डी एक्स इज इक्वल टू 01 टेन इनवर्स, और यहाँ से एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है तो ऊपर हम इसको लिखते हैं फ्रेंड्स इसी के टर्म में, ही दोनों के टर्म में ये लाने के लिए, तो इधर लिख के बताते हैं 2x माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस एक्स और यहाँ माइनस 1, इस प्रकार से लिखी जा सकती है इसको x माइनस एक्स और माइनस 1, सॉरी माइनस 2x है तो इसको 2x करना पड़ेगा, तो यानी x माइनस 1 माइनस एक्स लिखें इसको, x माइनस 1 माइनस एक्स तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 2x माइनस 1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी बताते हैं क्यों इसको ऐसा हम लिखना चाह रहे हैं, तो ऊपर लिखेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ है डी एक्स। फ्रेंड्स एक फार्मूला पढ़े हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, टेन इनवर्स
ए प्लस बी बटे वन प्लस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स नहीं यहाँ माइनस देंगे तब ये होगा, ये टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, टेन इनवर्स इसको अगर ए रखें माइनस इसको अगर बी रखें तो फॉर्मूला हमारा बनता है वो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बी, वन प्लस ए बी, वन प्लस ए बी, ए माइनस बी, वन प्लस ए बी टेन इनवर्स। तो वो हम रख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले के जगह पर, यानी इसको हम लिखेंगे जीरो टू वन, इसके बदले वहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स ए के प्लेस पर यहाँ एक्स है माइनस, और बी के प्लेस पर यहाँ वन माइनस एक्स है, तो टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, और यहाँ रहा डी एक्स। ये लाया हमने आई इस फॉर्मूले का उपयोग करके, थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन को फंक्शन को जो दिया था इसको एडजस्टमेंट किया और उसको इस फॉर्मूले के उपयोग के लायक बनाया और इसको यहाँ लगा दिया। अब इसको फ्रेंड्स हम रखते नंबर एक। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी फोर लगाते हैं। प्रॉपर्टी फोर हमारा है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा आई जो बनेगा वो बनेगा आई इज इक्वल टू जीरो टू ए टेन इनवर्स, जीरो टू वन है सॉरी यहाँ वन है, तो टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स वन, तो वन रहेगा माइनस एक्स के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स और यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स, यहाँ से माइनस वन, माइनस वन कटेगा इस माइनस को प्लस करेगा तो ये प्लस एक्स और यहाँ होगा डी एक्स। नंबर दो, एक प्लस दो करेंगे फ्रेंड्स, टू आई इज इक्वल टू इधर हमारा है जीरो वन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स और डी एक्स प्लस, इधर है हमारा टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, जीरो वन की लिमिट है, और माइनस है टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, अगर इंटीग्रेशन को अलग अलग करें तो जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स। कुछ नहीं करा फ्रेंड्स, सिर्फ इंटीग्रेशन को सेपरेट किया है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सब जगह चिन्ह किया। तो देखें फ्रेंड्स, ये है प्लस में और ये है हमारा माइनस में, ये है माइनस में और ये है हमारा प्लस में, इज इक्वल टू इधर आया जीरो, तो इधर टू आई बराबर जीरो, तो आई हमारा हो जाएगा जीरो। तो इस प्रकार से ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 44 का। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉल्यूशन था एक्सरसाइज या चैप्टर 7 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के टी फोर्थ नंबर का सवाल, जिसको हमने सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो जिसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को करीबियों को ज़रूर सेंड करें, ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।